10 वर्षीय नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म कर हत्या करने वाले मामले में 24 घंटे में खुलासा, दरिंदा पुलिस की गिरफ्त में। पाली जिले के तख्तगढ़ थाना के पिछुआ गांव में 10 वर्षीय बालिका के साथ उसी गांव के आरोपी नरपत सिंह जोदा ने बहला फुसला कर बेर खाने के बहाने अपने खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, नाबालिग की हत्या करके बच्ची की लाश को कुएं से काफी दूर ले जाकर अन्य कुएं में डाल दिया, जिसका पाली पुलिस ने 24 घंटे में ही खुलासा कर दिया। बता दें, 24 जनवरी की शाम तख्तगढ़ पुलिस को सूचना मिली थी कि पिछावा गांव की 10 वर्षीय बालिका को उसी के गांव के आरोपी नरपत सिंह ने बेर खिलाने के बहाने बैला फुसला कर अपनी खेत की ओर ले गया, लेकिन देर शाम तक बच्ची घर नहीं लौटी तो उसके परिवार वालों ने तलाश की तो पता लगा कि बालिका को गांव के ही नरपत सिंह जोदा द्वारा शाम 5 बजे बेर खिलाने का कहकर अपने खेत में ले जाते देखा गया था। बालिका के परिवार वालों ने नरपत सिंह पुत्र मनोहर सिंह जोधा निवासी पिचावा के खेत में जाकर तलाशी की तो नरपत सिंह वहां मौजूद मिला। पूछताछ पर नरपत सिंह जोधा और उसके पिता मनोहर सिंह हाथापाई करते हुए मौके से फरार हो गए। तख्तगढ़ थाना पुलिस मरजाबता तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और बालिका की तलाश की तो खेत में कुछ स्थानों पर खून के निशान मिले। बालिका की तलाश सुनसान खेतों में भी की गई, लेकिन रात को बालिका का पता नहीं चला। 25 जनवरी को सुबह से पुलिस द्वारा फिर से बालिका की तलाश करने पर एक सुनसान मार्ग पर एक कुएं पर रक्त के निशान मिले तो पुलिस गाँव वालों के सहयोग से कुएं में बालिका की लाश की तलाश की गई। वहीं कुआं में बालिका की लाश पुलिस में मिली है, जिसे बाहर निकालकर फोरेंसिक टीम और एमओबी टीम द्वारा साक्ष्य एकत्रित किए गए और नाबालिग के शव को पोस्टमार्टम के लिए सुमेरपुर चिकित्सालय भेजा। पुलिस टीम द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए तलाशी के दौरान सूचना पर पुलिस द्वारा मुख्य आरोपी नरपत सिंह को इस प्रकरण में दस्तयाब कर लिया गया। नव भारत समाचार पाली राजस्थान से मुकेश सोनी की रिपोर्ट। अपने घर से दो छोटे बच्चों के साथ खेतों की तरफ बेर खाने के लिए निकली थी और उसके बाद जब वो बच्ची काफ़ी देर तक घर नहीं आई तो उसके परिजनों ने तलाश किया। वहीं पास में नरपत सिंह नाम का एक लड़का है, 24-25 साल का संदिग्ध था और परिजनों ने उससे पूछताछ करी बच्ची के बारे में तो उसने कोई ज़्यादा अच्छी तरह से जवाब नहीं दिया और बल्कि वहाँ से उनसे हाथापाई करके भाग गया। उसके बाद परिजनों ने कुछ देर तक खेतों में तलाश करी और फिर उसके बाद पुलिस थाना का तख्तगढ़ को इतला दी, जिस पर थाने की टीम वहां पहुंची और आसपास के थाने के SHO पुलिस अधिकारी पुलिसकर्मी एडिशनल SP सभी पहुंचे। बच्ची की तलाश में पूरी रात आसपास के खेतों में जंगलों में सब जगह कॉम्बिंग की गई। सुबह तक भी कॉम्बिंग से कोई उसमें सुराग नहीं लगा। उसके बाद रात को जो संदिग्ध व्यक्ति था उसके खेत पर जो कुआ था उसका पानी भी तोड़ करके पूरा तलाश किया गया, उसमें भी नहीं मिली। उसके बाद दिन में सुबह जो है वो उस ब्लड स्टेन्स मिले रोड पर, इसके आधार पर हमने लीड लेते हुए वहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर एक कुआ है उसमें जा कर के जब कुएँ के अंदर तलाश कराया तो उस बच्चे का शव हमें मिला। वो निकलवाया जा करके और पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भिजवाया गया। मुलजिम जो है नरपत सिंह जोधा, उसको तलाश के लिए जो टीमें रात से ही तलाश कर रही थी विभिन्न स्थानों पर, साथ ही उसको भगाने में उसका सहयोग करने वाला उसका पिता मनोहर सिंह, उसकी भी तलाश जारी थी। इन दोनों को ही आज दिन में विभिन्न स्थानों पर रेड्स करके दस्तयाब कर लिया गया है और साथ ही पोस्टमार्टम करा के इसमें प्रकरण में अग्रिम अनुसंधान जारी है। इस प्रकरण को क्योंकि संवेदनशील प्रकरण है केस ऑफिसर में लिया जाएगा और शीघ्र इसकी ट्रायल पूरी कराई जा सकती है, इसमें इसको आगे एक्सप्लेट कराया जाएगा। बच्चे के साथ दूसरे वैसे तो मेडिकल बोर्ड से जो हमने पोस्टमार्टम कराया है उसकी रिपोर्ट आने पर ही क्लियर होगी, पर प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि बच्चे के साथ दुष्कर्म करके उसकी हत्या की। सर, जो आरोपी जो है पूर्व में वारदात कर चुका है? नहीं, आरोपी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। इसके परिवार के अंदर इसका एक भाई जो है वो दहेज हत्या में बंद है। नहीं, इस तरह का कोई आपराधिक रिकॉर्ड सामने नहीं है, नहीं कोई इसके पिता का कोई इस तरह का।
राजस्थानी प्रवासी समाज द्वारा ओल्ड अलवाल चौराहा के पास प्रदर्शन किया गया, जिसमें पारसनाथ चौहान, मदन लाल रावल, भंवर लाल सिरवी एवं समस्त राजस्थानी प्रवासी भाइयों ने भाग लिया। यहाँ पर सभी प्रवासी बंधु हैदराबाद में, तेलंगाना में, हैदराबाद में सभी इकट्ठा हुए हैं। ये सोनू के साथ जो ये जघन्य हत्याकांड जो हुआ है, जिस तरह से दुष्कर्म करके हत्या की गई है, उनका हम सख्त विरोध करते हैं और हम कांग्रेस गवर्नमेंट का भी विरोध करते हैं जो राजस्थान में चल रही है। गहलोत सरकार ये लुंज पुंज सरकार है, उसके राजस्थान में जो भी आजकल बहुत ही ज्यादा ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग हो गए हैं, हम चाहते हैं कि उनको जल्दी से जल्दी बच्ची को न्याय मिले और गहलोत सरकार का हम इस्तीफा मांगते हैं। गहलोत सरकार पूरी फेल है, ये लॉ एंड ऑर्डर पूरे ही राजस्थान में खराब हो रखा है। बाकी राज्यों में देखें तो काफी अच्छा लॉ एंड ऑर्डर है, लेकिन खास करके राजस्थान में हम प्रवासी हैं, हम मातृभूमि से जुड़े हुए हैं। हमको दुख होता है कि हमारे राज्य में ऐसा हो रहा है, हमारे गांव में ऐसा हो रहा है, हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं है। हम बहुत ही दुख है, हमारे को जितना पूरे हैदराबाद के लोग, छत्तीस के कौम के लोग यहाँ पर शोक प्रकट कर रहे हैं, व्यथित है, दुखी है इससे कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे गाँव में, हमारे देश में, हमारी मातृभूमि में ये क्या हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि गहलोत सरकार उस हत्यारे को बहुत कड़ी से कड़ी सजा, ऐसी सजा दे जो एक मिसाल बने और हम सबको तसली हो कि भाई हाँ, ये हमको न्याय मिला है, हमको इंसाफ मिला है, वो बच्ची को इंसाफ मिला है। और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होते हुए मैं ये ऐलान करता हूँ, वो लड़के का कोई भी अगर सर काट लेगा, मुंड लेगा, तो मैं मेरी तरफ से 11,000 रुपए इनाम उसको दूंगा। मैं ये घोषणा करता हूँ, चाहे सरकार मेरे साथ कुछ भी व्यवहार करे, बर्ताव करे, मैं जेलने के लिए तैयार हूँ। सभी जनों को जय श्री राम, जय माता जी की। सिरवी समाज के जो बच्चे के साथ जो ये जघन्य कांड जो हुआ है, उसके मैं घोर शब्दों में, कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ और समस्त राजस्थानी समाज को ये संदेश देता हूँ कि जो भी प्रवासी राजस्थानी है, वो जा कहीं भी है, अपने अपने क्षेत्रों में एकत्रित हो, उसके खिलाफ प्रदर्शन करें, राजस्थान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करें। ये जो कांग्रेस की जो सरकार है, गहलोत जी की जो सरकार है, वो एकदम बहुत ही घटिया, बेकार, नकारा सरकार है। ऐसी सरकार आने के बाद ये जो घटनाएं घटित हो रही है, इस सरकार की लुंज पुंज नीतियों की वजह से हो रही है। आप सभी को इसका कड़ा से कड़ा विरोध करना चाहिए और इस बच्ची के जो हत्यारे, जो दरिंदे हैं, उनको बीच चौराहे पे फांसी मिले, बीच चौराहे पे सालों को गोली से भून दिया जाए। ऐसी आप सभी मिलकर एक प्रदर्शन करके सरकार पे दबाव बनाएं और ऐसे हत्यारों को, ऐसे दरिंदों को फांसी हो और उनको गोली से भून दिया जाए, ऐसी व्यवस्था सरकारों में हो, ऐसी मांग सभी राजस्थानी समाज मिलकर रखें और इस मैसेज को, इस बात को आगे से आगे पहुंचाया जाए।